जी तुम लोगों को लग रहा होगा मजाक है कि ये फोन ऐसे फेंक नहीं सकता, तो जी पहले ये आप लोगों को मैं 11 Pro Max चलता हुआ 11 Pro Max ठीक है, ये देखो बिल्कुल 100% वर्किंग में ओके है, बिल्कुल ओके चलता हुआ 11 Pro Max है। आप देखो जरा पीछे हो जा, तो जी ओए होए होए, तो फोन तोड़ दिया आज हमने व्लॉग में, फोन था ओए होए होए। तो जी चेक करो इसका पैनल शैनल टूट गया, चेक करते हैं ऑन हो रहा नहीं हो रहा। ओए ओए ये तो ऑन भी नहीं हो रहा, उत्तरी खैर बैग चेक करो, बैग सारे टूट गया, लेकिन टेंशन नहीं है, परवाह नहीं है, फोन हमारे पास बहुत है, अब आपने फोनों की टेंशन नहीं लेनी, स्टॉक ही स्टॉक पड़ा है, ये देखो ये फोन पड़े हैं, ये देखो फोनों की टेंशन नहीं है, फोन बहुत है यार, फोनों की टेंशन नहीं लेनी आपने। क्या ये भी टूट गया, क्या हो गया, टूट गया ये, अल्लाह के बंदे गरीब हुआ, फोन देखो एप्पल पैलेस में खड़े हो, आपने टेंशन नहीं लेनी यार, डिस्प्ले खाली करो यार। कोई पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया। Assalamualaikum guys, so finally we are back with another vlog। तो जी जैसे कि पिछले दो व्लॉग से आप देखते आ रहे हो हमारी शॉप रेनोवेट हो रही थी, तो जी फाइनली लास्ट व्लॉग में हमने आपको एंडिंग दिखा दी थी कि शॉप सारी रेनोवेट हो रही है, अब उसके बाद हमने यहाँ पे सारा स्टॉक डालना था। तो जी अभी मैं आपको ऐसे ओवरव्यू दे देता हूँ, ये देखो जी सारे फोन हमने स्टॉक भर के रखे हुए हैं, एसेसरीज रखी हुई है, यार अहमद इसकी लाइटें तो जला क्या होगी, ये ऐसे तो फारिग लगता है। हाँ अब चेक करो कितना सेक्सी लग रहा है, ये लाइटें शाइटें बंद हो जाए ना इतना हैवी हो जाता है। तो जी एसेसरीज रख लिया, पाउच रख लिया है, बिलाल भाई का तो आपको पता ही है, ये मैंने अभी दिया आप लोगों को ऊपर से ओवरव्यू, अब सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपके किस रेंज में कौन सा फ़ोन आ सकता है, पीटीए नॉन पीटीए जेबी क्या होता है, जेबी के अंदर कितने टाइम सिम चलती है, कितने टाइम बाद बंद हो जाती है, जेबी का क्या सीन है, ईच एंड एवरीथिंग अब आप लोगों को बताने लगा हूँ, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से अंदर और हम ये अपने लो बजट कैमरामैन को फोन पकड़ा देंगे। तो जी सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने ना फोन का स्टॉक दिखा देता हूँ, उसके बाद एसेसरीज का भी दिखाऊंगा, फिर जो जेबी वाला सेटअप है वो भी दिखाऊंगा, फिर रिपेयरिंग का भी सेटअप है, आपको आईफोन स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट से मिलाऊंगा जो कि पूरे पाकिस्तान में फोन उन्हें पार्सल आते हैं और वो यहाँ पे रिपेयरिंग करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखो हमारे पास सारा ईच एंड एवरीथिंग स्टॉक अवेलेबल है, ये ना जो एक एक पीस जस्ट हमने ना यहाँ पे डिस्प्ले में लगाया हुआ है, बाकी जो सारा स्टॉक है ना वो नीचे पड़ा है, ये देखो अब ये जो फोन लगे हुए हैं ना उसके अलावा भी मैंने यहाँ पे कुछ फोन रखे हुए हैं जिसके अंदर नॉन पीटीए सारे अवेलेबल है। अभी सबसे पहले आप लोगों को बताएं 11 क्यों दिखा रहा हूं मैं, सारी बच्चियों को 11 पसंद है, 11 का रिजल्ट इतना अच्छा कि कुछ लोग कहते हैं 13 प्रो मैक्स से भी ज्यादा अच्छा है, और 11 प्रो मैक्स व्हाइट कलर में मिलता ही नहीं है, और हमारे पास स्टॉक में बढ़े, ये देखो व्हाइट एक ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, नीचे फोन भी काफी सारे बढ़िया है, मतलब ये नहीं है कि आपको एक एक फोन पड़ा जाएंगे तब तक दिख जाएगा, फोन बहुत सारे हैं टेंशन नहीं लेनी। तो जी व्हाइट 11 पीटीए 128 GB फुल वाटर बैग, इधर देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 11 का रिजल्ट, देखो सर आप ये तो ये आगे बैठे मनहूस जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, नहीं तो 11 का रिजल्ट बहुत अच्छा है, देखो आप लोगों को मैं दिखा दूं 128 GB जनरल अबाउट, ये देखो आईफोन 11 128 GB डुअल पीटीए अप्रूव्ड, सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों को मिल जाएगा 1,02,000 में, अब अगर जो मैं आपको रेट बताऊंगा ना इसका मतलब है ये फाइनल रेट है, 1,02,000 में 128 GB वाटर पैक, अगर आप लोग कहते हो ना कि हमने लेना 11 है पीटीए अप्रूव्ड ही लेना है लेकिन हमारी इतनी रेंज नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों को ब्लैक कलर लेना पड़ेगा, ब्लैक कलर आपको 128 GB डुअल पीटीए वाटर पैक जस्ट 95 का मिल जाएगा, ओनली 95 का, अगर 11 प्रो आपने पीटीए प्रूफ लेना है 256 GB वाटर पैक जस्ट आपको 130 का मिल जाएगा डुअल पीटीए, और साथ इसके बॉक्स भी है, 11 के साथ बॉक्स नहीं था, जिसके साथ बॉक्स बता रहा हूँ ना उसके साथ बॉक्स है। तो जी थोड़े पैसे आपके पास लेकिन आपको लंबा पसंद है फोन, तो आपके लिए ये एक्सेस मैक्स है, एक्सेस मैक्स 512 GB अप्रूव्ड में 256 GB आपको नॉन पीटीए मिल जाएगा जस्ट ओनली 60,000 में, 256 GB फैक्ट्री अनलॉक, ये 512 GB पीटीए अप्रूव जस्ट आपको मिल जाएगा 95,000 का, मजा आएगा ना भिड़ो, ये ऑफर सिर्फ आपको ना एप्पल पैलेस में मिलेगी, शॉप की जो लोकेशन है वो मैं आप लोगों को लास्ट में भी दिखा दूंगा, अभी तो मैंने आपको 14 प्लस 15 प्रो मैक्स पीटीए नॉन पीटीए फैक्ट्री अनलॉक जेबी सब कुछ दिखाना है। जी अगर आपने 13 लेना है, 13 देखो करीब से दिखाओ, पहले 13 देखो, जी ये 13 128 GB, अगर आपने पीटीए अप्रूव लेना है वाटर बैग आपको मिल जाएगा 210 का, अगर आपने जेबी लेना है नॉन पीटीए जिसके अंदर 4 महीने सिम टाइम चलेगी ये फिर तो ये बहुत ही सस्ता है, आपको 95 का मिल जाएगा वाटर पैक, ये जो 12 लवर्स है आईफोन 12 लवर्स उनके लिए मैं एक सस्ते डील लेके आई हूँ, पहले फोन देखते हो, तो
जी ये 10x10 कंडीशन में 88 हेल्थ, 100 हेल्थ और ये फैक्ट्री अनलॉक 128 GB। तो ये 12 तो वैसे ही बहुत सस्ते हैं। 64 GB वाला आपको JV जिसके अंदर 2 मंथ सेम टाइम चलेगा, ये आपको जस्ट ओनली 70 का मिल जाएगा, वो भी 100 हेल्थ में। 100 हेल्थ का मतलब है मजे ही मजे, पूरा दिन चलाओ फिर चावल वाले अंकल आज। ये देखो तो जी XR लवर्स के लिए भी स्पेशल डील है, पहले फोन दिखा दो। बिल्कुल 10x10 कंजा फोन, ये देखो व्हाइट कलर, ब्लैक कलर। तो जी अगर XR आपने PDA लेना है, PDA XR जस्ट ओनली आपको 65 का 64 GB वाटर पैक विद बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि डुअल अप्रूव्ड है। अगर आप नॉन PDA में जाते हैं तो बहुत ही सस्ते हैं, 40,000 में आपको नॉन PDA XR 64 GB वाटर पैक मिल जाएगा। और जो जो मैं कह रहा हूँ ना कि वाटर पैक मिल जाएगा, वो मैं पानी में डाल के दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि खाली ऐसी कह रहा हूँ। अभी 15 Pro Max भी आपको दिखाऊंगा, उसका वाटर टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो जी 13 Pro और 13 Pro Max लवर्स के लिए भी, क्योंकि काफी लोगों को प्रो पसंद होता है, क्योंकि काफी लोगों को छोटा पसंद होता है और काफी लोगों को बड़ा पसंद होता है। फोन तो उनके लिए 13 Pro Max सबसे पहले इनकी लुक देखो। तो जी ये चेक कर लो, बिल्कुल 10x10 कंडीशन में। ये है जी 13 Pro Max 512 GB JV जिसके अंदर 4 महीने सिम टाइम चलेगा। वाटर बैग ये जस्ट आपको मिल जाएगा 155 में, 512 GB है। आपके बच्चे भी इसमें ब्लॉग बनाएंगे, ये इतनी सारी GB है जो कि खत्म नहीं होगी। अगर आपको छोटा पसंद है फोन तो आपको 13 Pro मिल जाएगा 128 GB वाटर पैक, ये आपको जस्ट ओनली 135 का मिल जाएगा। इसके अंदर भी 4 महीने सिम चलेगी। फोन चेक करो कितने सारे फोन हमारे पास, यहाँ भी पड़ी है, पीछे भी लगे पड़े हैं, अभी नीचे भी पड़े हैं। नीचे का मतलब है नीचे बॉक्स में हमने भर भर के फोन रखे हुए हैं। तो जी स्टॉक की कमी नहीं है, स्टॉक अभी बहुत सारा, अभी बहुत सारे फोन तुम लोगों को दिखाना है। तो जी इसके बाद हम आप लोगों को दिखाते हैं 14 प्लस। काफी सारी लड़कियां होती हैं जिन्हें 13 पसंद होता है, 14 पसंद होता है, दो कैमरे वाला ऐसे। लेकिन कुछ लोग ऐसी लड़कियां होती हैं जिन्हें 14 पसंद है लेकिन उन्हें बड़ा भी चाहिए फोन, तो उनके लिए है जी ये 14 प्लस। पहले 14 प्लस की लुक दिखाओ, ये देखो कितना प्यारा फोन है। ओए होए होए, बिल्कुल 10x10 और 100 हेल्थ में 14 प्लस वाटर पैक, ये जस्ट आपको मिल जाएगा 120 का। 120 में फोन लो, मजे करो। हालांकि 120 में क्या मिलता है, अगर आप लोग कहते हो रेंज हमारी 120 है और हमें दो कैमरे नहीं चाहिए, तीन कैमरे चाहिए, उसके लिए फिर आपको 12 Pro Max मिल जाएगा, 256 GB वाटर पैक, तीन कैमरा। चेक करो इसकी पहले कंडीशन दिखा दो, ये देखो ये भी बिल्कुल 10x10 है, फ्रंट बैक बिल्कुल कंडीशन 100% ओके। तो जी ये 86 हेल्थ में ये आपको ओनली 120 का मिल जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि आपको दो कैमरे पसंद है या तीन कैमरे पसंद है, प्राइस सेम है, ये 128 GB है या 256 GB है। तो जी 11 Pro पहले इसके लुक दिखा दो, चेक कर लो 10x10 कंडीशन, बिल्कुल ऐसे वाटर पैक फोन। इसमें PDA नॉन PDA दोनों मिल जाएंगे, 256 GB में नॉन PDA भी मिल जाएगा, 256 GB में PDA फोन भी मिल जाएगा। 11 Pro असल में बड़ा हैंडी फोन होता है, ये देखो छोटे साइज का, इससे कॉल करने में भी मजा आता है। ये देखो, हेलो आप कौन? हाँ कहाँ रह गया, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है, बकवास बंद कर कुत्तिया। देखो मजेदार लग रहा है ना, फुल VIP बिल्कुल हैंडी फोन है। बस ये है इसके ऊपर जैसे आप लोग अगर मूवीज देखते हो ना, मूवीज के लिए हैंडी छोटा ऐसे हाथ में आ जाता है, और अगर सोते हुए भी चलाओगे मुंह पे गिरेगा ना तो थोड़ी बचत हो जाएगी, मतलब एक साइड से फोन शो निकल आएगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो जी अगर आप लोग कहते हो 11 Pro नो डाउट तीन कैमरे भी है, राउंड शेप भी है, अच्छा भी है, लेकिन हमें बड़ा पसंद है फोन, तो उसके लिए आप लोगों के लिए है 11 Pro Max। 11 Pro Max की जरा भाई लोग दिखा दो, ये भी बिल्कुल 10x10 कंडीशन में आप लोगों को मिल जाएंगे। अब इसमें ये है कि नॉन PDA 256 GB इंतहाई सस्ता, 85 का 256 GB फैक्ट्री अनलॉक। अगर आपको फैक्ट्री अनलॉक चाहिए विद बॉक्स भी चाहिए तो आपको ये 80 का मिल जाएगा, फैक्ट्री अनलॉक विद बॉक्स बिल्कुल वाटर बैग जेनरल पैनल। कहीं आप लोग कहो कि ये इतने सस्ते सस्ते लगा रहे तो इसके अंदर कोई डिस्प्ले मैसेज पैनल शैनल चेंज होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, गारंटी है, बिल के ऊपर लिख के देंगे। ये चेक कर लो फैक्ट्री अनलॉक, कोई इसके ऊपर मैसेज नहीं है, डिस्प्ले मैसेज कैमरा मैसेज मतलब कुछ भी नहीं चेंज। 64 GB है वाटर पैक, और क्या चाहिए तुम्हें, 80,000 रुपये में तुम्हें 11 Pro Max बड़ा भी मिल रहा है साइज में, और फैक्ट्री अनलॉक भी मिल रहा है, साथ बॉक्स भी मिल रहा है। सारे फोन आप लोगों को दिखा दिए, लेकिन X रह गया। अब X से ये तुम्हारी मैं मशहूर वाली X नहीं कह रहा, तुम्हें वो याद आ जाएगी, उन लोगों की याद के लिए ये मैं तुम्हें आईफोन X दिखा रहा हूँ। तो जी ये पहले इसका ओवरव्यू दिखा दूँ, चेक करता हूँ। X भी इवन आप लोगों को X भी 10x10 कंडीशन में मिलेंगे, ये X PDA अप्रूव 64 GB जस्ट ओनली 55 का। अब 55 में PDA अप्रूव्ड X मिलता है, नॉन PDA अगर लेना है तो वो आपको 38 से 40 तक का मिल जाएगा, 64 GB टोटल जेनुइन फोन। ये फिलहाल PDA अप्रूव्ड है, आपको 55 का मिल जाएंगे। उसके अलावा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ एयरपोर्ट्स, ये देखो एयरपोर्ट्स की जनरेशन देख लो। अब ये है इधर एयरपोर्ट्स प्रो जेनुइन, टोटल जेनुइन
इसके साथ बॉक्स भी है, ये आपको मिल जाएंगे 20,000 के। और ये एयरपोर्ट्स प्रो सेकंड जनरेशन नीचे माइक वाले, ये आपको 25 के मिल जाएंगे। ये खैर इसकी कंडीशन थोड़ी रफ है, ये 10x10 देख लो, ये भी एयरपोर्ट्स प्रो सेकंड जनरेशन है, ये आपको 25 के मिल जाएंगे। और ये एयरपोर्ट्स 2 जो कि सबको पसंद है, मुझे भी पर्सनली पसंद है, इसलिए क्योंकि ये ना कानों में बड़े कम्फर्टेबल आते हैं, कानों में ना पेन नहीं करती है। तो जी ये आपको जस्ट ओनली 8,000 के मिलेंगे। उसके अलावा फ़ोन देख लो आप, 8 के इतने सारे पीस पड़े हैं, एस सी के, एक्स के ऐसी पड़ी हैं, 11 ऐसी पड़ी हैं, फ़ोन हमारे पास इतने हैं ना कि अगर मैं इनमें से एक फ़ोन तोड़ भी दूँ ना तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये मजाक कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, नहीं सकता। तो जी पहले ये आप लोगों को मैं 11 प्रो मैक्स दिखा देता हूँ। तो जी 11 प्रो मैक्स चलता हुआ, 11 प्रो मैक्स ठीक है, ये देखो बिल्कुल 100% वर्किंग में ओके है, बिल्कुल ओके चलता हुआ 11 प्रो मैक्स है। आप देखो जरा जरा पीछे हो जा। तो जी ओए होए होए, तो जी एक मिनट मैं ना बाहर आके फोन दिखाता हूँ, वाकई गिराया है, वाकई टूटा है, अभी तोड़ दिया है, फोन तोड़ दिया आज हमने व्लॉग में। तो जी चेक करो इसका पैनल चैनल टूट गया, चेक करते हैं ऑन हो रहा नहीं हो रहा। ओए ओए ये तो ऑन भी नहीं हो रहा, उतरी खैर बैग चेक करो, बैग सारे टूट गया, लेकिन टेंशन नहीं है, परवाह नहीं है, फोन हमारे पास बहुत है, फोनों की टेंशन नहीं है, एप्पल पैलेस पे खड़े हो आप, आपने फोनों की टेंशन नहीं लेनी, स्टॉक ही स्टॉक पड़ा है, ये देखो ये फोन पड़े हैं, ये देखो फोनों फोनों की टेंशन नहीं है, फोन बहुत है, एप्पल पैलेस पे आओ सस्ते सस्ते फोन ले लो। यार फोनों की टेंशन नहीं लेनी आपने, क्या हो गया, ये भी टूट गया, क्या हो गया, टूट गया ये, अल्लाह के बंदे गरीब हो आप, फोन देखो एप्पल पैलेस पे खड़े हो, आपने टेंशन नहीं लेनी यार, डिस्प्ले खाली करो यार, डिस्प्ले खाली करो। अब आप लोगों को मैं दिखाने लगा हूँ कि जेवी चिप क्या होती है। अब जेवी फोन अक्सर आवाम लेती है, बड़ी कंफ्यूज होती है यार, नॉन पीटीएल लेना अपने फैक्ट्री अनलॉक, जेवी नहीं लेना, बड़ी कंफ्यूज होती है। तो जेवी का फर्क होता है कि वो कंट्री लॉक होता है, अगर पाकिस्तान में उसके अंदर सिम टाइम यूज करना ना तो उसके लिए लगती है जेवी चिप। आवाम इस पे भी कंफ्यूज होती है कि भाई जेवी चिप फोन खोल के लगेगी कहाँ, लगेगी क्या सीन है, कितना टाइम सिम चलेगी। तो जी अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि जेवी चिप एक्चुअली में होती क्या है और इसका काम क्या और कैसे लगती है। तो जी बिलाल भाई सबसे पहले ना इधर आ, सबसे पहले बिलाल भाई जेवी चिप दिखा दो। तो जी ये देखो ये जस्ट एक छोटी सी चिप होती है जो कि लगती भी सिर्फ सिम जैकेट में है। अभी बिलाल भाई आपको सिम जैकेट में ना लगा के दिखाएंगे, ये देख लो अभी। तो जी सबसे पहले ये हम फोन देख लेते हैं, ये देखो सेटिंग अनलॉक में जाओ, सबसे पहले आप लोगों को डिफरेंस भी बता देता हूँ फैक्ट्री अनलॉक और जेवी में फर्क कैसे होते हैं। जनरल में जाओगे, अबाउट में जाओगे, यहाँ पे देखो नेटवर्क प्रोवाइडर सिम लॉक्ड, अगर सिम लॉक का मतलब है ये जेवी है, अगर यहाँ पे लिखा होता ना नो सिम रिस्ट्रिक्शन इसका मतलब है ये फैक्ट्री अनलॉक है। अब सिम लॉक का मतलब है इसके अंदर सिम नहीं चल सकती। अब ये सिम चलाने के लिए हल होता है बिलाल भाई ने जरा पहले जेवी, अब ये जेवी चिप डलती है यहाँ पे सिम जैकेट वाली जगह में, अभी आपको बिलाल भाई इसके अंदर ना सिम एक्टिव करके दिखाएंगे। और इसके अंदर सिम चलेगी 2 महीने के लिए, जो 12 से ऊपर सीरीज है जैसे कि 13, 14, 15, खैर 14 में तो जेवी चिप चलती नहीं है, 13 में आपकी जेवी चिप चल जाएगी 4 महीने, क्योंकि उसका ई सिम का टाइम भी कन्वर्ट हो जाता है फिजिकल में, वो भी बिलाल भाई होती है। ये भी वो सिम एक्टिव कर रहे हैं, सिम एक्टिव करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फुल सिग्नल भी आ रहे होंगे, फुल कॉल भी जा रही होगी, ये देखो जी करीब ले गया हूँ। तो जी ये देखो LTE नेट भी पूरा चल रहा है, सिम भी आ गई है, और ये नहीं कि खाली सिम आ गई है कॉल छाल नहीं जाएगी, प्रॉपर कॉल भी जाएगी इस पे, ये देखो लाल भाई अब ये कॉल जानी चाहिए। असल में भाई का ना लोड ही नहीं है, मैं इस फोन से ना कॉल करके दिखाता हूँ कि वो जाते हैं। ये देखो अब मैं कॉल कर रहा हूँ इस नंबर पे, अभी देखना कॉल भी प्रॉपर आएगी जैसे फैक्ट्री अनलॉक पीटीएफ फोन चलता है, ये देखो बिल्कुल प्रॉपर हेलो हाई हो रही है, बिल्कुल ओके सीन है, ये देखो प्रॉपर हो रही है भाई, आपको फोन है भाई को दिखा, हेलो आवाज बिल्कुल ओके आ रही है ब्रो, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ओके सीन है ना, ऐसे बता देना चाहता जे फैक्ट्री अनलॉक फोन वो है, मजे लग गए, दुबई लग गया, जिंदगी सवर गई आपकी, ओके करो। तो जी अब मैं आपको मिलाने लगा हूँ हमारी शॉप के सबसे बड़े आईफोन स्पेशलिस्ट से, पूरे पाकिस्तान से इनके पास पार्सल आते हैं जो कि रिपेयरिंग के लिए, जवाद क्या, आई फिक्स क्या, सबको छोड़ के सबसे ऊपर जो टॉप पे है ना ऑन द टॉप वो है हमारे हाफिज साहब आईफोन स्पेशलिस्ट। ये देखो हम अपनी यकियों में व्लॉग में लगे हुए हैं लेकिन हाफिज साहब अपने काम में लगे हुए हैं, ये चेक करो कितनी मेहनत कर रहे हैं हाफिज साहब। जी जी आईफोन स्पेशलिस्ट हो ना, मैंने कोई बात गलत तो नहीं की? नहीं सर बिल्कुल एक्सपर्ट हैवी फोन, अगर फोन आपका डेड हो गया ना, सब ने जवाब दे दिया कि इसको लाहौर ले जाओ, फिर भी आपने लाहौर नहीं जाना, एप्पल पैलेस पे आना है, हाफिज साहब आपका फोन जिंदा करके दे देंगे, अगर शुभ शुभ करके, वो जैसे वो शुभ शुभ वाली सलगार है ना वैसे शुभ शुभ करना है, थोड़ा सा हाथ उथ फिरना है हाफिज साहब ने और काम सेट हो जाना है, सूसी दम में आप शामिल हो जाए।
XR को आपने 15 Pro Max में बनाना हो या 15 Pro Max को XR में कन्वर्ट करवाना हो, हर चीज हो जाएगी, हर चीज पॉसिबल है हाफ हिसाब के पास। तो जी आप लोगों को मैंने फोनों के स्टॉक, JV, रिपेयरिंग वाले सब कुछ बता दिया है। उसके अलावा हमारे पास एसेसरीज भी होती हैं। एसेसरीज की तरफ दिखा दो, ये सारे मॉडल के पाउच आईफोन के अलावा एंड्रॉइड के भी सारे पाउचेस मिल जाएंगे। उसके अलावा फोन वो स्टॉक दिखा दो आप, पहले एक नजर दिखा दो सब पे जाके, थोड़ा सा आगे जाके दिखा दो। एसेसरीज में हर चीज मिल जाएगी, ये गूगल का स्पीकर, ब्लूटूथ, एयरपोर्ट्स, लोकल वॉच, लोकल एयरपोर्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। अगर आपने JV भी लगवानी हो तो बिलाल भी हमारे यहाँ बैठे हैं, रिपेयरिंग वाले भी यहाँ बैठे हैं। अब आप लोग कहते होगे लेकिन ये इसके लिए हमें आपको आना पड़ेगा कचहरी रोड से। जब आप लोग इधर घंटाघर की तरफ आते हैं ना तो लेफ्ट साइड पे प्लाजा आएगा, सुल्तान मोबाइल सेंटर, बन्नू पलाव के ऑपोजिट। यहाँ पे एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे चौथी या पांचवी शॉप है एप्पल पैलेस के नेम से। एंटर हो गए, मैं आपको सामने बैठा हुआ नजर आ जाऊंगा। उसके अलावा आगे कोई भी मसला आप यहाँ पे रिपेयरिंग करवाएं, फोनों के स्टॉक लें, PTA, नॉन PTA, JV चिप लगवाएं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। तो जी यहाँ पे करने लगा हूँ मैं व्लॉग को एंड। अब जल्दी जल्दी आ जाओ, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।